सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कब होता है? फटाफट सारे बच्चे बताओ। फर्स्ट, जब कंपनी ने सारा पैसा मंगा लिया, साई नॉमिनल वैल्यू मंगा ली है और साई नॉमिनल वैल्यू मिल भी गई, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कैपिटल क्या होती है हमारी? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होगा बच्चों बताओ? इन दोनों में से कोई से भी कंडीशन क्या हो जाए? फेल हो जाए। इन दोनों में से कोई से भी कंडीशन क्या हो जाए? फेल। या तो कंपनी ने सारे पैसे मंगाए नहीं है, बोलो हाँ है ना, सारी नॉमिनल वैल्यू मंगाई नहीं है। और सेकंड क्या है कि कंपनी ने नॉमिनल वैल्यू मंगा तो ली सारी, लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं। ठीक है बच्चों बताओ, तो वो कौन सी कैपिटल का पार्ट बन जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट। ऑथराइज और इश्यूड तो आपको पता है वो खाली इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होती है, वो कभी भी टोटल का पार्ट नहीं बनते। अब हम वन बाय वन एक एक आइटम को देखते हैं। कॉल सिनेरियो, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा बच्चों, ध्यान से सुनो। कॉल सिनेरियो पिक्चर में तब तक रहता है जब तक शेयर फॉरफिट ना हो जाए, बोलो हाँ है ना। क्योंकि जैसे ही शेयर फॉरफिट होंगे तो कॉल सिनेरियो तो क्या हो जाए? खत्म हो जाएगा। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, बोलो यार। तो कॉल सिनेरियो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तब तक रहेगा जब तक शेयर हमारे फॉरफिट ना हो सके। अब मान लीजिए हमने शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं तो कॉल सिनेरियो पड़ा है। अब कॉल सिनेरियो पड़ा है तो अब हम इसे दिखाएंगे कैसे? सुनो ध्यान से सारे बच्चे, दिखाएंगे कैसे? जिस कैपिटल पर पूरे मंगा लिए मिल गए हैं वो तो किसका पार्ट बन जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और जिस पर पूरे मंगाए हैं लेकिन जिन पर मिले नहीं है, जैसे 1,00,000 शेयर इश्यू करे, 98,000 पर पूरे मंगाए और पूरे मिल भी गए, 2,000 पर पूरे मंगाए लेकिन पूरे मिले नहीं, तो जिन 2,000 शेयर पर पूरे पैसे नहीं मिले वो किसका पार्ट बन जाएगा बच्चों बताओ? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। और जो कॉल सिनेरियो है इसको हम दिखाएंगे। 2000 इंटू में 10 20,000 माइनस, क्या माइनस करेंगे बच्चों बताओ? कॉल्स इन। आई बात, आई होप समझ में आ गई बात, हाँ है ना। तो सीधा क्रक्स बताऊं, कॉल सिनेरियो पिक्चर में तब तक रहेगा जब तक शेयर फॉरफिट ना हो सके। ठीक है बच्चों बताओ। सेकंड थिंग, अब मान लीजिए शेयर फॉरफिट हो गए, सुनते रहो इधर, मान लीजिए शेयर फॉरफिट हो गए, रीइशू नहीं हुए अभी, शेयर फॉरफिट हो गए लेकिन रीइशू नहीं हुए, तो मुझे बताओ सारे बच्चे क्या कॉल सिनेरियो पिक्चर में रहेगा? नो, क्योंकि जैसे ही मैं शेयर फॉरफिट करता हूं कॉल सिनेरियो खत्म हो जाता है। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल सिनेरियो। लेकिन ध्यान रखना शेयर फॉरफिटेड के लिए भी, कि शेयर फॉरफिटेड पिक्चर में तब तक रहेगा, बताओ सारे बच्चे, शेयर फॉरफिटेड पिक्चर में तब तक रहेगा, कब तक रहेगा बताओ सारे बच्चे? जब तक हमारे शेयर बच्चों बताओ रीइशू ना हो सके। बात आ रही है, समझ से नहीं आ रही, बोलो बेटा। अब बताइए इस शेयर फॉरफिटेड को हम दिखाएंगे कहां? इसका दिखाने का पैटर्न क्या है बताओ सारे बच्चे? कहां दिखाएंगे जो शेयर फॉरफिटेड है? मैंने पैसा फॉरफिट करके अपने पास ही तो रख लिया, बोलो बेटा, तो इसको भी मैं कहां दिखाऊंगा बच्चों बताओ? सब्सक्राइब एंड फुल्ली, क्योंकि मेरी जो अनपेड कैपिटल, जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली थी, वाली कैपिटल तो मेरी क्या हो गई? खत्म हो गई, हाँ है ना बेटा। तो उसके अंदर हम इसको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप वाली में ही एड करके दिखा देंगे। एंड अगर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली भी कुछ कैपिटल है तो उसमें भी हम ऐड करके दिखा सकते हैं। आप समझ रहे हो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कौन सी बचेगी? जैसे कि मैंने 2000 शेयर पर पैसा नहीं मिला और कंपनी ने 2000 फॉरफिट नहीं करे, कंपनी ने 1500 फॉरफिट करे, बात आई समझ? तो बेटा 500 पर तो क्या होगा? कॉल सिनेरियो। और 500 वाला तो क्या बन जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। 1500 जो शेयर फॉरफिट कर लिया वो कैपिटल खत्म हो गई, उसका शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट आया, हाँ है ना। अब उसकी आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में दिखा दो या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, लेकिन दिखाएंगे ऐड करके। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बैलेंस शीट में। आगे चलते हैं सर, एक बार बताओ। अच्छा एक चीज, मैं अब एक लाइन बोल रहा हूं आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना, कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट पिक्चर में तब तक रहेगा बच्चों बताओ जब तक शेयर रीइशू ना हो जाए। क्या आप इस बात से एग्री हो? क्योंकि जैसे ही मैं शेयर रीइशू कर दूंगा तो बताओ सारे बच्चे क्या फॉरफिट पिक्चर से खत्म हो जाएगा? हाँ है ना, क्योंकि रीइशू के टाइम एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो शेयर फॉरफिट क्रेडिट करा था डेबिट होगा, और जो बचा हुआ रहेगा उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल। अगली बात समझ, बोलो। तो शेयर फॉरफिट पिक्चर में तब तक है जब तक शेयर रीइशू ना हो जाए, या दूसरे शब्दों में मैं बोल दो कि शेयर फॉरफिटेड उन शेयर्स के लिए है जो फॉरफिट कर लिए हैं लेकिन अभी रीइशू नहीं कर। आगे बात समझ, शेयर फॉरफिट का ट्रीटमेंट समझ में आ गया कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में इसको ऐड करके दिखा देंगे, क्योंकि है तो ये भी किसका पार्ट? कैपिटल। इसके बाद बच्चों बताओ जो जो नई वाली रीइशूड कैपिटल है,
ध्यान से सुनो, मैं शेयर रीइशू कर रहा हूँ, तो जो शेयर रीइशू कर रहा हूँ वो नई वाली कैपिटल जो है, जैसे कि नीचे एंट्री क्या होती है रीइशू के दौरान, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट डेबिट, टू क्या टू शेयर कैपिटल, दोबारा से हमारी शेयर कैपिटल क्रिएट होती है या नहीं होती है। तो जो नई वाली शेयर कैपिटल क्रिएट हो रही है उसको देखना है कि वो फुल्ली पेड अप है या फिर पार्टली पेड अप है। अगर वो फुल्ली पेड अप है तो वो दोबारा से किसका पार्ट बन जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और अगर वो पार्टली पेड अप है तो फिर कौन सी कैपिटल का पार्ट बनेगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। चलो जी, एंड सर अगर कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कैपिटल रिजर्व तो बच्चों वाली चीज है, कहाँ आएगा बच्चों बताओ, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि हमारा प्रॉफिट है एक तरीके से। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहाँ पर आएगा बच्चों बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस अंडर द हेड बच्चों बताओ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में कौन सा आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। चलो जी सर, कोई अगर हमने शेयर बिल्डिंग वगैरह मशीनरी वगैरह खरीदी है उसके लिए शेयर इश्यू करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में क्या है, टेंजिबल एसेट्स, आया ना बच्चों, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अंदर कौन सा हेड आएगा, टेंजिबल। अगर गुडविल आ रहा है क्या आ रहा है बच्चों बताओ, गुडविल, हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो फिर क्या आ जाती है बच्चों बताओ, गुडविल, बोलो बेटा। तो गुडविल हमारी क्या है, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल। परसेंटेज डिवेंचर, डिवेंचर की बात करते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में कहां जाएगा बच्चों बताओ, अंडर द हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहाँ जाएगा बच्चों बताओ, नॉन करंट लायबिलिटीज अंडर द हेड अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग। बाकी डिस्काउंट ऑन इश्यू डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर का एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में डीपली समझाऊंगा, फिर भी ओरली बता रहा हूँ बच्चों बताओ कि जो करंट ईयर में राइट ऑफ होना है उसको अगर एसपीएल बनाना है तो एसपीएल में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर चले जाएगा, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम बना सकते हो। और जो अगले 12 महीने में राइट ऑफ करना है, जो कैसे राइट ऑफ करना है अगले 12 महीने में, वो कहां जाएगा, अंडर द हेड करंट एसेट्स अंडर द हेड अदर करंट एसेट्स, याद है ना, सीआईटी सीएसओ, बोलो बेटा। और जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस को हम कहां ले जाएंगे बताओ सारे बच्चे, उस बैलेंस को हम ले जाएंगे नॉन करंट एसेट्स अंडर द हेड अदर नॉन करंट एसेट्स। आई होप सही बच्चों को समझाया मैंने, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर के मोस्टली इंपॉर्टेंट आइटम्स का जो है बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट समझा दिया है। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आपको नोट्स इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन नोट्स को देख लेना। ओके बेटा, अच्छा कोई डाउट है तो मेरा नंबर ले लो आप 9716980980, इस नंबर पर डाउट्स पूछ सकते हो आप बेटा। ओके जी, थैंक यू।